गाइस विदाई का वीडियो डाल देंगे, विदाई का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आज आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एंड बहुत ही स्पेशल वाला ब्लॉग है और आप लोग का डिमांड वाला ही ब्लॉग है। बहुत टाइम पहले आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कमेंट करते थे, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ ये शेयर किया जाए। तो वैसे मेरा भी कोई प्लान नहीं था जाने का, मैं शाम को जाने वाली थी, बट अभी ही मैं निकल रही तो मैं सोची अभी से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से देखते हो तो दिल से थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो अभी 12 बजने वाला है और हम लोग अभी बुआ जी के घर पर जाए। हम लोग मीन्स मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ गुड़िया जी और दीपा की छोटी बहन जूली जी, तीनों जन अभी बुआ के घर पर जाएंगे। जूली भी हमारे साथ 2 दिन से थी क्योंकि बुआ पटना गई थी तो वो अकेले घर से रहती तो यहीं पर थी, बट अभी हम लोग उनके घर पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अभी थोड़ा बहुत काम है, मतलब स्वागत के लिए कुछ कुछ बनाना है। तो क्या बनाना है वो वहाँ जाने के बाद डिसाइड होगा। तो अभी हम लोग निकलेंगे, तो चलिए चलते हैं। जाने से पहले यहाँ पर हम लोग का खाना बन चुका था, वो पैक हो रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग वहां पे जाके खाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका था। तो हम लोग चल दिए। फटाक से खोलो। तो हम लोग घर पहुंच गए एंड बाहर बहुत गर्मी है। यहाँ पर अभी डिसाइड हुआ हम लोग का कि फर्स्ट टाइम जब लड़की घर पर आती है शादी के बाद तो दल पूड़ी बनाया जाता है, दल पूड़ी, खीर और तड़का। तो अभी हम लोग वही बनाने वाले हैं। और किन किन लोगों के घर में ऐसा होता है तो आप लोग बनाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी बन जाएगा तो फ्री हो जाएंगे हम लोग, फिर लोग बातें करेंगे। तो यहाँ मैं खीर बनाने के लिए दूध को बॉईल करने के लिए बैठा दी हूँ और साथ में बगल में दाल को भी बॉईल कर रही हूँ। जब तक ये सब हो रहा है तब तक आप ये देखो। फ्रेंड्स, ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं रिसेंटली मिंत्रा से मंगवाई हूँ। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाई जो कि मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। एंड मैं ज़्यादा कुछ मंगवाई नहीं हूँ, कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स मैं मंगवाई हूँ जो कि मुझे अभी ज़रूरत था, मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और मैं कुछ नया प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाह रही थी और कुछ कुछ मैं यूज़ भी कर रही हूँ। तो मैं उसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि अगर आप लोग को भी लेना हो तो आप लोग के लिए भी सुविधा हो। तो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मिंत्रा से आजकल कुछ इस तरीके से पैकेट रिसीव होता है, पार्सल देख सकते हैं, ये कागज़ का है। और ये चीज़ मुझे मिंत्रा का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उन लोगों ने प्लास्टिक हटा दिया क्योंकि प्लास्टिक तो मतलब यूज़ करने के लिए भी लोग मना कर रहे हैं और ये कागज़ का है तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक बहुत कुछ में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से रख सकते हो, कभी कहीं पर इसको मतलब ज़रूरत है तो बिछा, मतलब हर जगह यूज़ कर सकते हो, अपना अपना तरीके से यूज़ किया जाता है। मैं मतलब मैक्सिमम चीज़ को मतलब मेरा ऐसा है कि मैं मैक्सिमम चीज़ को कहीं ना कहीं यूज़ करती हूँ, जल्दी सब कुछ नहीं हटाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अभी मैं इसको ओपन करती हूँ, इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स है और एक पार्सल और मुझे रिसीव हो चुका था जिसको मैं ऑलरेडी खोलकर यूज़ कर रही थी, तो वो उसमें मुझे प्लम का कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुआ था। तो मैं इसी को पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को क्योंकि ये खुला हुआ है। तो मिंत्रा पे हमेशा कुछ ना कुछ का ऑफर चलते रहता है, तो उस टाइम मुझे लेना था तो प्लम पे भी ऑफर चल रहा था, लाइक 2-3 प्रोडक्ट्स लेने पे अच्छा खासा डिस्काउंट था। तो मैंने प्लम का 2-3 प्रोडक्ट्स मंगवाया है, तो मैं क्या मंगवाई हूँ वो दिखा देती हूँ। लेकिन उससे पहले देखो आप, मुझे एक कार्डबोर्ड में रिसीव हुआ है प्लम का, ये प्लम का है और प्लम का स्टिकर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं plumgoodness.com इस पर लिखा हुआ है। एंड इसको ओपन करने के बाद इसमें ये बिल है, आप देख सकते हैं। तो मैंने प्लम का 4 हाँ, तो मैंने प्लम का 4 प्रोडक्ट्स लिया है, 4 पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है, तो इसीलिए मैंने 4 प्रोडक्ट्स यूज़ किया था। लाइक मैंने पहले 2 मुझे ज़रूरत था लेकिन उसमें मतलब लिखा हुआ रहता है ना, जब आप 2 प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट करते हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि और 2 प्रोडक्ट्स ऐड कर लो तो आपको ऐसा ऐसा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं 4 प्रोडक्ट्स की थी और मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला था। तो सबसे पहले जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ
मॉइस्चराइज़र, प्लम का मॉइस्चराइज़र। एंड अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो या फिर मेकअप का वीडियो देखते होगे तो उसमें आपको पता होगा कि मैं आजकल न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है फ्रेंड। अगर आपको भी लेना है तो आप आँख बंद करके न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। मेरा वो ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मिंत्रा पे कुछ टाइम से ऑफर चल रहा था तो मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था, तो मैं बस वैसे ही मिंत्रा को खोली तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैं देखी तो मुझे लेना हो गया था। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र ख़त्म होने वाला है। मुझे लग रहा था कि मैंने स्टॉक में एक रखा है बट वो मैं नहीं रखी थी, मेरा बस ध्यान में आता था। लेकिन जब मेरा न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र ख़त्म हुआ तो मैं जब देखी तो मेरे पास था ही नहीं स्टॉक में। और लेकिन बाय लक कि मैं उसको कुछ दिन आगे ही प्लम का मॉइस्चराइज़र ऑर्डर कर चुकी थी, क्योंकि मुझे इसको ट्राई करना था, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत सुनी हूँ। न्यूट्रीडर्म का भी मैं पहले बहुत सुनी थी, देखी थी, रिव्यू ली थी, तब जाकर मैं उसको मंगाई थी। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको भी लेना है तो आप आराम से आँख बंद करके ले सकते हैं। बट अभी मैं प्लम का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ कुछ टाइम से, एंड न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र मैं फिर से रीऑर्डर की हूँ, वो भी कुछ दिन के बाद आ जाएगा। बट अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये 8 या 10 दिन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लाइक बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा ही मतलब डीप मॉइस्चराइजिंग जिसको बोलते हैं ना, वैसा टाइप का मॉइस्चराइज़र है। एंड इसको मैं बताऊँ कि इसके पीछे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्ट्रा मिल्ड विथ विटामिन ई, विटामिन ई मॉइस्चराइज़र है। एंड इसमें लिखा है केयरिंग डे मॉइस्चराइज़र, जो आपको पूरा दिन केयर करने वाला है। सच में ये एक टाइम ही आप लगा लोगे ना, सुबह के टाइम लाइक फेस वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेते हो तो आपको दिन भर रात में कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं, बस नाइट के टाइम जो सोने के टाइम लगाना होता वो लगाओ, मतलब फुल डे कवर कर लेता है इस टाइप का मॉइस्चराइज़र। बहुत अच्छा इसका टेक्स्चर है। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से ट्यूब में है, एंड जितना कुछ डब्बा में लिखा हुआ था उतना कुछ इसके पीछे भी लिखा हुआ है सेम। एंड इसका जो प्राइस है वो है 470 इसमें प्राइस लिखा हुआ है। बट ये मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट में मिला था। मैं चारों का एक साथ मैं लास्ट में दे दूंगी, आप देख लेना कि मुझे कितना में पड़ा था। तो अब मैं इसका स्मेल का बात करूँगी। बहुत लाइट सा स्मेल है, बहुत ज़्यादा प्यारा सा। एंड आप इसका टेक्स्चर देखो, वो क्या बोलते हैं जॉनसन बेबी जो क्रीम होता है ना, लाइक वैसा ही टेक्स्चर है इसका, सेम टू सेम। और देखना आप कितना मतलब एकदम थोड़ा सा ली हूँ बट मेरा पूरा हैंड कवर कर लेगा ये। बहुत अच्छा मतलब लग रहा है, मतलब ड्राई स्किन वालों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन लोगों का स्किन बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होते रहता है। और मैं 8-10 दिन से लगा रही हूँ तो मैं बस एक बार मॉर्निंग के टाइम में फ्रेश होने के बाद जो अप्लाई करती हूँ, मैं दिन भर कुछ नहीं लगाती हूँ, शाम को भी कुछ नहीं लगाती, मैं डायरेक्ट मैं रात के टाइम फेस वॉश करने के बाद फिर मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ, और कुछ भी मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। पूरा स्किन एकदम सॉफ्ट रख रहा है, इतना अच्छा ये मॉइस्चराइज़र है। मैं 8 और 10 दिन के बेसिक पे बता रही हूँ, बाकी मैं इसको पूरा यूज़ करने के बाद आप लोगों को पूरा अच्छे से रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स मैं मंगवाई हूँ प्लम का वो है रोज़ वाटर। वैसे तो मैं प्लेन नॉर्मल जो गुलाबरी का रोज़ वाटर होता है वो यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से, बट मैं सोची कि क्यों ना इस बार प्लम का यूज़ करके देखते हैं कि कैसा है। बट मैं इसको अभी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा भी गुलाबरी का जो रोज़ वाटर है वो अभी है मेरे पास, वो जब ख़त्म हो जाएगा तभी मैं इसको यूज़ करूँगी। और मेरा ऐसा है कि अगर आपका भी वैसा प्रॉब्लम है कि आपके पास सामान रहते हुए फिर से आप सामान ऑर्डर करते हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप जो पहले से सामान यूज़ कर रहे हो उसको ख़त्म कर लो फिर वो यूज़ करो, नहीं तो इससे क्या होता है कि अगर उससे ज़्यादा बेटर हम लोग को ये सामान पसंद आ जाएगा तो फिर हम लोग उसको लगाना छोड़ देंगे और वो वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट नहीं करना है कोई भी प्रोडक्ट्स का, हर कुछ अप्लाई करना है क्योंकि हम लोग हर कुछ सोच समझ कर ही खरीदते हैं, तो उसको वैसे ही वेस्ट ना करें। तो पहले वो यूज़ करके ख़त्म ही कर दे तभी ये यूज़ करे। हाँ, इसके बाद ये होगा कि अगर आपको ये लगाने के बाद अच्छा लगा तो इसको कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो बस इसका एक फाइल यूज़ करके इसको हटा के फिर से वही ले लीजिए, सिंपल हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से यूज़ करने के बाद मतलब वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लड़की लोग का प्रॉब्लम होता है कि जहाँ कुछ नया दिखा नहीं कि पुराना को छोड़कर नया पे चले जाते हैं और पुराना को पूछते भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये चीज़ सोची कि मैं आप लोगों को बता दूँ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मंगवाई हूँ मैं प्लम का वो है
काजल। एंड सच बताऊं तो मैं प्लम का प्रोडक्ट्स में इसलिए गई क्योंकि मेरे को ना बस काजल और वो मॉइस्चराइजर चाहिए था। बाकी जो दो प्रोडक्ट्स मैं ली हूँ, एक टोनर और एक जो प्रोडक्ट ली हूँ, ये सब तो मतलब वो ऑफर के चलते मैं ली हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे यही दो प्रोडक्ट्स चाहिए था प्लम का, क्योंकि मैं दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनी हूँ, बहुत ज़्यादा। प्लम का काजल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का पैकेज में, लाइक जैसे पेंसिल आता है ना पैकेज में, वैसे ही काजल है। मैं इस काजल के बारे में एक दो बात आप लोगों को बता दूँ, तो अगर आप लोग इसको पूरा दिन भी लगा के रखते हो तो ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और 2-in-1 है ये, जैसे कि एक काजल में यूज़ कर सकते हो और आईलाइनर को भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 100% रेजन है और ये ब्लैक काजल है। इसमें आपको लाइक 2-3 कलर्स इसमें मिलता है, बट मैं ब्लैक ही ली हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्लैक ही यूज़ करती हूँ। सो अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। और हाँ, इसके अंदर आपको फ्री में एक शार्पनर भी मिलता है। सो टाटा, ये काजल और इसके इसमें एक छोटू सा बुक है जिसमें प्लम का क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो सब इसमें लिखा हुआ है। इसके साथ जो हमें मुझे मिला है वो है एक शार्पनर, देख सकते हैं, बड़ा क्यूट पैकेज है शार्पनर का, ये देख, वाओ बहुत अच्छा है। लाइक अगर इसको कहीं भी कैरी करने के लिए कुछ भी मतलब हार्मफुल नहीं होगा, बहुत अच्छे से इसको पैक किया गया। आई होप आपको दिख रहा हो, देख सकते हैं ये बॉक्स के अंदर है, यहाँ से ये ओपन होता है, देन ये खुलेगा, देख सकते हैं। अभी भी ये नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर रेड कलर का जो दिया है उसको निकालना पड़ेगा, इसको इसके पीछे से निकालने के बाद ये यूज हो पाएगा। एंड इसको मैं अभी पैक कर देती हूँ क्योंकि इसका अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, देख सकते हो। पेंसिल काजल है इसीलिए शार्पनर दिया गया है। एंड अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ और देखो, देख सकते हो बिल्कुल पूरा जेट ब्लैक है और बहुत स्मूथ है इसका टेक्सचर। जो नेक्स्ट में प्लम का ऑर्डर की हूँ वो है सॉप। मैंने प्लम का साबुन ऑर्डर किया है। एक्चुअली मुझे 4 प्रोडक्ट चाहिए था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था चौथा प्रोडक्ट कि मैं क्या ऑर्डर करूँ। वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे अवेलेबल नो डाउट, बट मैं फर्स्ट टाइम प्लम का कुछ ऑर्डर कर रही थी तो बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या लूँ। तो मैं सोची चलो साबुन ही ऑर्डर कर लेते क्योंकि साबुन ऐसा है कि आपको यूज तो होना ही है इसको। तो आप देख सकते हो इसका पैकेजिंग कितना अच्छा है एंड मैं अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ। वाह, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा वाह। सो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का साबुन है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं मंगवाई हूँ वो एक बाथ स्क्रब है, आप देख सकते हो। एंड ये लोकल मार्केट में भी इजिली मिल जाएगा, बट मैं ये मिंत्रा से इसलिए मंगवाई क्योंकि वहाँ पे ऑफर चल रहा था। सो टंटना, ये कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब मार्केट में इस टाइप का नहीं मिलता है, बट मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ये जो कंपनी का है ये बाथ एंड बॉडी वॉक्स का है, इस पे लिखा हुआ है, सो आप देख सकते हो। फर्स्ट प्रोडक्ट है इसमें वो है बायोटिक का मॉइस्चराइजर और ये स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए है। एंड मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर से मॉइस्चराइजर क्यों ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे बदल बदल के मॉइस्चराइजर लगाना अच्छा लगता है, लेकिन अभी प्लम का मुझे अच्छा लग रहा है, पहले वो खत्म हो जाएगा देन उसके बाद मैं इसको भी लगाऊंगी। वैसे मैं पहले बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब फॉर ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी और इसके बारे में भी मैं आपको एक दो बात बता दूँ, तो ये 100% आयुर्वेदिक है और इसका जो ml है वो 180 ml है एंड इसका प्राइस जो है वो 179 है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपका स्किन ड्राई है और आप एक सस्ता मॉइस्चराइजर चाहते हो लाइक 200 के अंदर, तो बेस्ट मॉइस्चराइजर है। अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हो या एक अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर लेना चाहते हो 200-300 तक का, तो आप ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर ले सकते हो, बहुत अच्छा है। इसका प्राइस ही 179 है, तो सोचो कि अगर इसको डिस्काउंट मिला होगा तो आई थिंक 150 या 160 तक में आपको इजली मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छा है और ये स्पेशली मैं वीडियोज़ के लिए भी लाई हूँ क्योंकि चाहती हूँ कि आप लोगों को कम से कम प्राइस वाला प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँ ताकि आप लोग भी लेकर यूज़ करो, जिससे आपका भी स्किन बहुत अच्छा हो। तो ये एक है। एंड जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट है।
इस कॉम्पैक्ट को मैं एक बार यूज की हूँ, मुझे अच्छा लगा था तो मैं सोची फिर से एक बार मंगवा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको एक बार बहुत टाइम पहले ट्राई की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैं मंगवाई हूँ। एंड इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सो आप देखो इसका पैकेज बहुत सुंदर, ये आपको पाउच में रिसीव होता है एंड इसके अंदर है ये कॉम्पैक्ट। एंड इसका जो प्राइस है ये 825 है आफ्टर डिस्काउंट, आई थिंक आपको 750 या 800 तक इजली मिल जाएगा। और अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो टेंटन, इसमें आपको एक मिरर मिलता है और नीचे कॉम्पैक्ट है, इस पर एक पेपर लगा हुआ था जो कि उड़ गया। एंड इसके नीचे आपको स्पंज मिलता है इसको अप्लाई करने के लिए। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स था जो मैं मिंत्रा से मंगवाई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी। सारा यूजफुल प्रोडक्ट्स था इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो अगर आपको कुछ भी लेना होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, मैं सबका लिंक वहां पे दे दूंगी। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो मैं बिल्कुल गायब सी हो गई इसीलिए मैं मिंत्रा हॉल डाल दी। एंड आई होप कि आपको मेरा मिंत्रा हॉल अच्छा लगा होगा। तो कुछ भी लेना होगा तो आप ले सकते हैं, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड मेरे फेस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, काफ़ी गर्मी है बाहर में, तो थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी लगता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तड़का बन गया, खीर बन गया और दलपूड़ी का सब कुछ रेडी हो गया है, आटा वाटा सब सना गया है, बस दलपूड़ी बनाना बाकी है। बट वो अभी नहीं बनेगा, शाम को बनेगा। तो अभी 4 बजने वाला है, 4 से ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से खाना वाना खाया सब लोग, और बुआ जी और जो दीपा के भाई है दीपक जी, वो भी आ गए हैं, वो लोग भी पटना से। एंड वो लोग भी खा पी के आराम कर रहे हैं, हम लोग भी खा पी के आराम कर रहे थे। बट मैं अभी उठी क्योंकि अभी अब जाएंगे दीपक जी दीपा को लाने के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि दीपा का शादी सेम टाउन में हुआ है, सेम ही जगह पर, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। तो अभी वो निकलेंगे दीपा को लाने के लिए, तो वो जैसे ही लेकर आते हैं फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो उनको देखने के लिए कि शादी के बाद वो कैसे दिखती हैं, शादी के बाद क्या है। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा भर भर के कमेंट्स करते थे कि दीपा दीदी जब आएगी तो आप लोग आप ज़रूर ब्लॉग बनाइएगा। तो ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोग के लिए ही बना रही हूँ। एंड मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इसी बारे में आप लोग से थोड़ा बात कर पाई, क्योंकि इधर कुछ दिन से मैं ब्लॉग कुछ शूट ही नहीं कर पा रही थी, मेरा कहीं जाना नहीं हो रहा था, कुछ वैसा था भी नहीं, और प्लस घर पर ही रहना हो रहा था, तो इसी कारण से। बट कोई ना, मज़ा आएगा, जैसी आती वैसे मैं आपसे मिलवाती हूँ। सो उनको आने में टाइम है, तब तक हम लोग यहाँ पर मूवी देख रहे हैं, साउथ का मूवी देख रहे थे, बड़ा मस्त मूवी था। सो फाइनली दीपा जी आ गई। नमस्ते भैया, पहचान है? बिल्कुल मस्त। हेलो, हाँ दरवाजे से। बाप रे, कितना टाइम के बाद जान दो। आई हट। हेलो, आ गई दीपू, कितने दिन के बाद उल्टा नहीं रहा। सो आप लोग अच्छे से देख लो, सबको मिलना था, दीपा दीदी कब आएगी, कब आएगी, आ गई। गला मिलो। नहीं थी तो सच में आने से कैसे खाली खाली ना, हेल्दी हो गई है। हाँ, मोटी हो गई है। खाली काम ही क्या रहता था, खाना था, सोना था। अरे आप विदाई का वीडियो डाल देंगे, विदाई का वीडियो।
सो यहाँ पर एक रश्म हो रहा है। दीपा जी की मम्मी है ना, वो दीपा जी को पैर में तेल लगा रही है, पैर का मालिश कर रही है। ये इन लोग में ऐसा होता है कि शादी के बाद पहली बार अगर लड़की घर पर आती है तो पैर का मालिश किया जाता है। मैं ऐसा फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अगर आप लोग पहले कभी देखे हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पर मैं उनके लिए नाश्ता रेडी कर ली हूँ, अभी मैं लेके जाऊँगी और उनको सबसे पहले उनका मुँह मीठा करवाऊँगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सावा महीना के बाद मतलब घर पर आई हैं तो खातिरदारी तो बनता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले उनको मीठा खिला रही हूँ। देन वो भी सबको खिलाती हैं, फिर हम लोग एक दूसरे को खिलाते हैं, खाते हैं, मज़े करते हैं, बात करते हैं। आप लोग देखो मज़ा आएगा। ठंडा हो गया, समझ ठंडा अभी का है अच्छा लगता है। जब छोड़ते हैं आप नहीं खाएंगे, छीना खा लीजिए। दीदी का सामान आ गया, दीदी का सामान आ गया, दीदी का सामान आ गया। सो बहुत मस्ती मजाक बातें हो गई और करते करते शाम का 6:30 बज गया था, चाय पीने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे चाय बना ली हूँ। अभी हम लोग चाय पियेंगे एंड दीपा जी है जो वो दलपूड़ी खीर और तड़का खाएंगी, वो भोग लगाएगी। आप भी खा लो, दीपा भी खा लीजिए लो। दीपा जी के आने का खुशी है। यम्मी। कैसा बना है? बहुत यम्मी। भोग लगाया जा रहा है। कैसा हुआ है? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये खा रही है एंड अभी हम लोग को दलपूड़ी बनाना है, उधर बन रहा है तो अभी फटाफट सारा दलपूड़ी बना देते हैं, तब तक ये खा रही है, उसके बाद मिलते हैं। सो फाइनली मैं अपने घर आ गई एंड वहाँ पे हम लोगों ने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया और रात का भी 11 बजने वाला है एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वैसे वहाँ पे कुछ वैसा था नहीं, बट फिर भी एक अजीब सा मतलब हरासमेंट के जैसा लग रहा है कि नहीं, मैं एकदम थकी थकी सी फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। एंड आप फेस का भी हालत देख सकते हो कैसा हो रखा है। सो बहुत मज़ा आया, बहुत बातें की हम लोग भर भर के, इतने टाइम के बाद हम लोग मिले तो बहुत बातें हुई। और आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा एंड जो मैंने मिंत्रा का आपको दिखाया, अगर आपको उसमें से कुछ भी लेना होगा तो आप एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे सबका लिंक दिया हुआ है, तो अगर कुछ भी लेना होगा तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, लेकिन हाँ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।